फिल्म की शुरुआत होती है एक प्लेन को दिखाने से, जिसमें एक ड्रग माफिया प्लेन में वजन ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे ड्रग्स की बैग नीचे फेंक रहा होता है, जो उनके लिए एक महफूज जगह थी यानी जंगल। और इस ड्रग का नाम कोकीन था, जो बहुत ही तेज होता है। और जब वो खुद प्लेन से कूदने वाला था कि तभी उसके सर पर चोट लग जाती है, वो बेहोश हो गया था तो ऐसी प्लेन से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम उसी जंगल में एक कपल को देखते हैं जो छुट्टियां गुजारने के लिए वहाँ आई थी। वो जब आगे बढ़ती है तो हम जंगल में कोकीन ड्रग्स की बैग भी पड़े हुए देखते हैं। अब ये लोग एक जगह पर आकर खुश हो ही रही थी कि तभी एक बियर यानी एक भालू को देखते हैं, तो खुशी से ये उसकी तस्वीरें बनाने ही लगते हैं कि तभी आदमी देखता है कि भालू के ऊपर सफेद रंग का कोई पाउडर गिरा हुआ है और भालू अपना सर ऐसे हिला रहा है जैसे उसने नशा किया हो, जो जिस उन्हें अजीब लगती है। तभी भालू की नजर भी इन पर पड़ जाती है, जो गुस्से में इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये लोग डर गए थे, फौरन यहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी आदमी गिर जाता है, भालू इनके पीछे ही था। वो आदमी को छोड़कर लड़की पर कूद आता है और बुरी तरह हमला करके सीट के उसे झाड़ियों में ले जाता है। उसे पूरी तरह काट कर उसका पैर आदमी की तरफ फेंकता है, जो देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी, और भालू भी जोर से दहाड़ता है। इसके बाद हमें ड्रग माफिया के मरने की खबरें दिखाई जाती है, जिसकी तहकीक उस जंगल में एक सीनियर ऑफिसर कर रही थी। उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग माफिया एक काफी बड़े ड्रग्स के मालिक के लिए काम करता था, जिसका नाम सिड है, और वो कोकीन ड्रग उसी का था। सीनियर ऑफिसर अपने साथी को कहते हैं कि मैं हमेशा से ही इस ड्रग माफिया सिड को पकड़ना चाहता हूँ, और उसका जो ड्रग था कोकीन वो जंगल में ही गिरा है, जिसे ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं सिड को, जो अपने वकील को बुलाता है और उसे सारी बात बता देता है कि जंगल में कोकीन ड्रग्स की बहुत सारे बैग्स गिरे हैं, जो मुझे कैसे भी करके चाहिए, और उन्हें तुम लाओगे, साथ तुम मेरे बेटे को ले जाओगे, जिस पर वकील मान जाता है। सिड का वकील फिर सिड के बेटे के पास आता है और टीवी पर चल रहे ड्रग्स की खबरें दिखाकर कहता है कि ये कोकीन ड्रग ढूंढने हमें जंगल में जाना है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब एक औरत जिसका नाम सारी था, सारी की बेटी से मिलने उसका दोस्त आता है, क्योंकि आज ही दोनों बच्चे अपना स्कूल छोड़कर जंगल में झरना देखने जा रहे थे, जिसके बाद दोनों निकलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। बच्चों की टीचर सारी को कॉल करके बताती है कि आज आपकी बेटी स्कूल नहीं आई। ये सुनकर वो घबरा जाती है, पर जब अपनी बेटी का सामान चेक करती है तो एक नक्शे से पता चल जाता है कि वो जंगल में गई है झरना देखने के लिए, तो अब सारी भी वहां जाने के लिए निकल जाती है। जंगल में दोनों बच्चे जब खाना खा रहे थे तो तभी इन्हें कोकीन के कुछ पैकेट्स मिलते हैं। उन्हें देखकर बच्चा कहता है ये मीठा पाउडर होता है जो मैंने खाया हुआ है, बहुत मजे का है, चलो खाते हैं। और जब ये ड्रग को खाते हैं तो उसका जायका जाहिर है इन्हें काफी गंदा लगता है, फौरन वो उल्टियां करने लगती है। इन्हें माँ और भी कोकीन की पैकेट्स मिलती है, जो चीज इन्हें काफी अजीब लग रही थी। तभी इनके पीछे से भालू आता है, जिसने बहुत सारा कोकीन खा लिया था, क्योंकि वो उसके पूरे मुंह पर लगा हुआ था, जो तेज सांस लेकर इन दोनों बच्चों पर फेंक देता है। बच्चे डर गई थी, फौरन यहाँ से भागने लगते हैं। सारी जंगल में आकर एक रेंजर और उसके हस्बैंड से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि मेरी बेटी और उसके दोस्त यहाँ जंगल में बने एक झरने को देखने आए हैं, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, जिस पर वो मान गई थी। और अभी तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गई थी। वकील और सिद का बेटा जब जंगल में आ रही थी तो एक जगह पर रुकती है। वकील वॉशरूम में जाता है तो वहाँ तीन स्टूडेंट्स थी जिनके पास कोकेन था। वो वकील से बदतमीजी करने लगती है, जिस पर वो उन्हें उठा उठा कर काफी मारता है। और जब वो तीनों ढेर हो गई थी तो सिद का बेटा वहाँ आता है। वकील उसे बताता है कि इनके पास इनकी पैकेट से, वो फिर उनमें से एक से पूछती है कि बताओ ये पैकेट्स तुम्हें कहाँ से मिले। वो जवाब देता है कि जंगल में से। वकील उसे धमकाता है कि हमें भी लेकर चलो वहाँ, वरना हम तुम्हें मार देंगे, जिसके लिए वो मान जाता है। उधर वो लोग जंगल में जो बच्चों को ढूंढ रही थी तो सारी को बच्चे की आवाज पेड़ के ऊपर से आती है, वो वहाँ चढ़ा हुआ था। सारी उसे देखती है और वहाँ से नीचे आने का कहती है। बच्चा काफी डरा हुआ था, बताता है कोकीन खाकर एक भालू काफी नशे में आ गया है, सब पर हमला करके मारता जा रहा है, उसने हम पर भी हमला करना चाहा पर हम भाग गए, आपकी बेटी भी जिंदा है पर वो आगे छुपी हुई है। अब इन तीनों को भी भालू की आवाजें सुनाई देने लगती है, ये काफी डर गई थी। अगले ही पल भालू आकर रेंजर के हस्बैंड को पकड़ लेता है, जो देखकर रेंजर उस पर कई सारे गोलियां चला देती है, जिससे भालू को उसे छोड़ना ही पड़ता है। वो अब दूसरी साइड से रेंजर पर हमला करता है, उसके बड़े बड़े नाखून रेंजर की टांग पर लग गई थी, काफी जख्मी थी वो, लेकिन फिर भी वो गोली चलाती है। तब भालू फिर से वहाँ से भाग जाता है। रेंजर के पास गोलियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो भी यहाँ से भागने लगती है। रेंजर का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देखकर बच्चा कहता है कि हम यहाँ भी महफूज नहीं है, क्योंकि भालू भी पेड़ पर चढ़ सकता है। इसी पेड़ के नीचे दूसरी तरफ सारी छुपी हुई थी, जो काफी डरी हुई थी, और तभी भालू ऊपर चढ़ के बच्चे के पास आने लगता है। वो उसे मार ही देता कि तभी रेंजर का हस्बैंड कपड़े झाड़ने लगता है, जिसमें से निकलने वाला ड्रग भालू सूंघ लेता है और उसके पेड़ की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ के वो उस पर बुरी तरह हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया।
गया था। उसकी फिर मौत हो जाती है और वहाँ लाश लटक जाती है, जो देखकर सारी और उसकी बेटी का दोस्त डर गई थी नीचे आकर फौरन यहाँ से भागने लगती है। लाश को फिर नीचे गिराकर बालू उसके कपड़ों से कोकेन चाटने लगता है। सारी और बच्चा उस तरफ आगे बढ़ती है जहाँ सारी की बेटी गई थी। रेंजर जब वापिस आती है तो वहाँ उसकी दो बेटी थी और जब वो अपने गन में गोलियां डाल रही थी तो तभी दरवाजा कोई खटखटाता है। रेंजर अपनी बेटी को गन लेते हुए कहती है, ये लो और दरवाजा खोलो। और जब उसका बेटा डरते हुए दरवाजा खोलता है तो वहाँ भालू था जो किसी बच्चे की तरह बैठा हुआ था। इसी बीच रेंजर उस पर अपने गन से गोलियां चलाती है। बीच में उसका बेटा खड़ा था जिस वजह से उसका निशाना चूक जाता है। गोली आकर उसके बेटे के सर पर ही लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जो मौका देकर बालू यहाँ से भाग जाता है। तब फौरन रेंजर का दूसरा बेटा दरवाजे को बंद कर लेता है, पर तभी उन्हें छत पर से आवाजें आने लगती है। एक ही दम से फिर खिड़की तोड़कर बालू अंदर आता है और रेंजर के दूसरे बेटे का मुंह दबोच लेता है जिससे उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। सारी और उसकी बेटी के दोस्त को अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ रंग दिखते हैं जिससे उन्हें समझ लग जाती है कि ये जरूर सारी की बेटी ने यहाँ लगाए हैं इन्हें सिग्नल देने के लिए ताकि लोग उसे ढूंढ ले। तो अभी लोग उस हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। अब कुछ देर बाद यहाँ एक नर्स और डॉक्टर आते हैं जिन्हें रेंजर ने यहाँ बुलाया था। अंदर आकर दोनों को रेंजर के बेटों की लाशें मिलती है काफी बुरी हालत में, खून में लथपथ, जो देखकर वो काफी डर गए थे। ढूंढने पर इन्हें रेंजर मिल जाती है जो काफी जख्मी थी। नर्स जल्दी से उसका चेकअप करती है। तब रेंजर उसे बताती है कि भाग जाओ यहाँ से, बालू इधर ही है। ढूंढने पर डॉक्टर को बालू एक कमरे में मिल भी जाता है। वो उसका ध्यान भटकाता है। तब तक रेंजर और नर्स घर से निकल जाती है, पर बालू दरवाजा तोड़कर डॉक्टर के ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर खुद आके खड़ा हो जाता है। वो जैसे उसे मारने वाला था कि तभी डॉक्टर कोकेन वाले बैग से बालू पर हमला कर देता है। और अब क्योंकि बालू कोकेन की नशे का आदि हो गया था तो डॉक्टर को छोड़कर वो कोकेन को सूंघने के लिए बैग की तरफ चला गया था। इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर बाहर उन दोनों के पास एम्बुलेंस में आ गया था और अभी रेंजर को अपने साथ लेकर भागने लगती है। और भालू जब कोकेन के नशे में काफी खूंखार बन गया था इनका पीछा करने लगता है। हालांकि रेंजर एम्बुलेंस से उस पर काफी गोलियां भी चलाती है पर एक भी गोली उसे नहीं लगती। और अब एकदम से भालू कूद कर एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है। उसके जोर से रेंजर बाहर गिर के इतनी जख्मी हो गई थी कि उसकी मौत ही हो जाती है। भालू डॉक्टर पर हमला करके उसकी बाजू ही उखेड़ देता है जो देखकर नर्स का ध्यान भटक जाता है और एम्बुलेंस एक पेड़ से आकर टकरा जाती है जिससे नर्स भी बाहर आके गिर गई थी। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है जिससे वो भी मारी जाती है। और अब इस तरह से बालू ने उन तीनों का एक खात्मा कर दिया था। जंगल में ऑफिसर जब एक जगह बैठी हुई थी तो उन्हें ऊपर को केन से भरा बैग मिल जाता है जिसे लेने वो ऊपर चढ़ जाते हैं। इतने ही देर में वो स्टूडेंट वकील और सीट के बेटे को लेकर यहाँ आ गया था। पर जब कोकीन का कोई बैग इन्हें यहाँ नहीं मिलता तो वकील स्टूडेंट पर गन तान देता है। ऊपर से इनको ऑफिसर ने देख लिया था जो इन पर भी गन पॉइंट कर देता है। उसके पास बैग देखकर जैसे वकील ऑफिसर पर गोली चलाने वाला होता है कि उससे पहले ऑफिसर गोली चलाकर वकील की उंगलियां तोड़ देता है। अब तभी यहाँ भालू भी आता है जो नशे में तो था पर और नशा लेने की उसे तलब हो रही थी। सुस्ती में आता हुआ वो सिट के बेटे के ऊपर ही सो जाता है जिसे सबको लगने लगता है कि सिट का बेटा मर गया है, पर ऐसा नहीं हुआ था। सारी और बच्ची को आगे बढ़ते हुए कपल में से वो आदमी मिल जाता है जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था जो छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। सारी उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है जिस पर वो बता भी देता है कि वो यहाँ बनी की एफ गुफा के पास गई है। वकील बालू को चेक करने आता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं, जिस बीच उसके पीछे कोकीन का एक पैकेट गिरता है जिसे सूंघते ही बालू की आँख खुल गई थी। एकदम से वो उठता है और पूरा ही पैकेट खा जाता है जिससे अब उसे और नशा होने लगता है। बालू जागते ही सिट की बेटी को पकड़ लेता है, वो उसे मारता। उसे पहले ऑफिसर उसका ध्यान भटका के लिए ऊपर से कोकेन फेंकता है जिस तरफ ही अब बालू आने लगा था। ये देखकर सारे ही लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि इस बालू को ड्रग का कितना नशा हो गया है, कितना चूर है ये नशे में। ऑफिसर बालू का ध्यान भटकाने के लिए अपने पीछे पीछे लगा लेता है जिस बीच ऑफिसर पर हमला हो जाता है। कोकेन का जो बैग उनके हाथ में था वो भी गिर गया था। कुछ देर के बाद सिट की बेटी और वकील को सिट भी मिल जाता है। उन दोनों को सिट बताता है कि ऑफिसर पर हमला मैंने ही किया था। उसका बेटा बताता है कि यहाँ जंगल में एक बालू कोकेन का नशा कर रहा है, तब पर हमला करके बड़े बेरहमी से मारता जा रहा है। सीट का कहना था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करके मुझे कोकेन चाहिए तो चाहिए। और अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं जहाँ ऑफिसर की साथी आती है, वो भी इन लोगों के साथ ही मिली हुई थी, यानी ड्रग माफिया थी। ऑफिसर अभी भी जिंदा था लेकिन आखिरी सांसें गिन रहा था। सीट उसके पास आकर अपना कोकेन का बैग मांगता है। ऑफिसर कहता है कि वो बैग देखकर तुमने मुझ पर हमला किया था, पर अफसोस वो तो बालू अपने साथ ले गया है। इतना कहते ही ऑफिसर अपना दम तोड़ देता है। बालू कोकेन के बैग को केव की तरफ ले जा रहा था जो दरअसल उसका
का ढेर था। तब कपल वाला आदमी सारी को गन देता है। गन लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर आकर ये बड़ा ही अजीब नजारा देखती है और वो ये कि भालू के साथ साथ कोकेन का नशा उसके बच्चे भी करते हैं। भालू के लाए हुए एक बैग से ही उसके बच्चे कोकेन खा रही थी और तभी इन्हें यहाँ सारी की बेटी भी मिल जाती है, जिसे देख कर ये लोग खुश हो ही रही थी कि तभी इन्हें भालू की आवाज सुनाई देने लगती है। ये लोग जल्दी से आगे बढ़ के उस झरने के पास आ गए थे जो ये बच्चे यहाँ देखने आए थे, तो ये लोग फौरन इधर ही छुप जाते हैं। कुछ ही देर में बाकी के लोग भी गुफा के अंदर आ जाते हैं। भालू के बच्चों को सेठ उन्हें मारने का फैसला करता है, जो चीज ऑफिसर के साथी को अच्छी नहीं लगती तो वो यहाँ से बाहर निकल आती है। अब ये तीनों जब आगे बढ़ती है तो सेठ को झरने के पास कोकेन का एक बैग लटका हुआ दिखता है। उसे लेने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी नजर सारी और दोनों बच्चों पर पड़ जाती है। वो उन्हें मारने का इरादा करता है पर वकील ऐसा करने से मना कर देता है कि इनका क्या कसूर है। सेठ गुस्से में कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर मुझे मेरे कोकेन की बैग ना मिली तो मैं सबको ही मार दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हें और अपने बेटे को भी। तभी भालू की बच्ची आखिरी बच्ची कोकेन की बैग को लेने के लिए सेठ के पास आ जाती है, जिससे उसे गुस्सा आ गया था और वो भालू की बच्चों को मारने का सोचता है। इस चीज का फायदा उठाकर सारी और दोनों बच्चे झरने में कूद पड़ती है। तभी इधर भालू भी आ गया था जो अपने बच्चों को बचाने आया था। उसे देखते ही वकील और सेठ का बेटा भी झरने में कूद जाते हैं, पर सेठ भालू को गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर भालू की बच्ची काफी दुखी हो जाती है, पर जब सेठ कोकेन का बैग लेकर जा रहा था तो एक पैकेट गिरकर फट जाता है, जिसे जैसे भालू सूंघता है एकदम उसकी आँख खुल जाती है। पर अब वो काफी खूंखार होकर उठता है, पहले से भी कई गुना ज्यादा। वो जल्दी से ऊपर आकर सेठ पर हमला कर देता है। अपने बड़े बड़े नाखूनों से सेठ को इतना नोच डालता है कि उसकी जान ही ले लेता है। उसे मार कर भी ये उसे नोच रहा था, जिसमें उसकी बच्ची भी आकर ऐसा करने लगी थी। सारे लोग झरने से नीचे जब आते हैं तो सारी वकील की मदद करती है क्योंकि वो जख्मी था। अब कुछ ही दिन में सब ठीक होने के बाद सारे बाहर आते हैं और अपने अपने रास्तों पर निकल गए थे। फिर कुछ दिन के बाद हम दोबारा से जंगल का सीन देखते हैं, जहां भालू अभी भी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और अब जैसे कोई उनकी वीडियो बनाता है भालू चिढ़ जाता है और हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसका मतलब था कि नशे की वजह से भालू काफी गुस्से वाला बन गया है और अब वो ऐसे लोगों को मारता रहेगा। इसके बाद में वो स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसे कोकेन का एक बैग मिला था, उसे लेकर वो न्यूयॉर्क आता है ताकि महंगी दामों बेचकर पैसे कमा सके। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।